हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भैया पुष्पा 2 ट्रेलर रिव्यू, तो देखते हैं कि क्या है लोगों के रिव्यूज। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। तो यार, हम लोग डिबेट करते हैं नॉर्थ वर्सेस साउथ सिनेमा के बारे में, लेकिन एक ऐसा ब्रांड है जिसने बॉलीवुड हॉलीवुड दोनों को खतरे में डाल दिया। पुष्पा फ्लावर समझा क्या, फायर है ये, और पार्ट 2 के बाद वो आग ज्वालामुखी बन चुकी है, जिसमें इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री के सारे रिकॉर्ड। नहीं, अभी बहुत कैचअप करना है हॉलीवुड का। यूट्यूब पे व्यूज देखते हैं, लेकिन जब किसी फिल्म के आने से खुद यूट्यूब बेटर बहुत हो गया, समझ लो पुष्पा आ गया है। थोड़ा रूरल पूरी सेटिंग थी, ऑडियंस से भिड़ गई थी, तेलुगु पब्लिक फिल्म को ट्रोल कर रही थी, तब पुष्पा ने नॉर्थ में पैन इंडिया का गेम बदल दिया था। ए टू जेड सारे क्रिटिक्स वगैरह इसके पीछे पड़ गए। किसी ने KGF की कॉपी बोला तो कोई पैसा बर्बाद बोल रहा था, और आज ट्रेलर आते ही वही सेम लोग इसको ब्रांड बोल रहे हैं। हाँ जी, 3 साल का इंतजार और पुष्पा का रूल फाइनली शुरू हुआ है एक 3.25 मिनट के ट्रेलर के साथ। मेरा रिएक्शन क्या बोलूं, गुस्सा तो नहीं करोगे? सारे फैन बेस गए तेल लेने, सारे एक्टर्स गए भाड़ में, सारे रिकॉर्ड्स की गिनती खत्म। बॉस रोक के दिखाओ इस फिल्म को, जिसके बम में है दम, हरगिज झुकेगा नहीं साला। सच सच कितने अल्लू अर्जुन दिख रहे हैं, ये तो बताता ही नहीं। उसका उल्टा है, यहाँ अल्लू अर्जुन ने खुद को बहुत सारे टुकड़ों में बांट दिया है। जो अलग अलग लुक्स अल्लू अर्जुन के दिख रहे हैं, उसके लिए अलग अलग एक्टर्स को कास्ट करना पड़ता बाकी किसी फिल्म में, लेकिन ये एक आदमी सब कुछ कर सकता है, गिरगिट बन गया है। देखो, फिल्म जैसी बनेगी तब बनेगी, लेकिन पुष्पा 2 का ट्रेलर ऐसा आया है जिसको देखकर बाकी फिल्म बनाने वाले लोग सीखेंगे ट्रेलर काटा कैसे जाता है। शायद इतिहास में पुष्पा 2 वो पहली फिल्म बनेगी जिसके पार्ट 1 का टोटल लाइफ टाइम बिजनेस शायद उसका पार्ट 2 पहले ही दिन 24 घंटे से भी कम के कलेक्शन में क्रॉस कर देगा। इतना कॉन्फिडेंस ट्रेलर देखकर आ रहा है मुझे। ईमानदारी से बोलूं, बाहुबली के बाद किसी फ्रेंचाइज की फर्स्ट फिल्म देखी है मैंने जिसने ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस को वाकई मैच करने की पूरी कोशिश की है। सिर्फ पैसा कमाने के लिए फिल्म नहीं बना दी गई है, ट्रेलर ने लोगों के प्यार के साथ जस्टिस किया है। वाओ, इस लेवल की एनर्जी आज तक मैंने किसी ये तो कंतारा लगता है मुझे, पूरा सीन कंतारा का, कंतारा से लिया है ये पूरा। वैसे ये कंतारा नहीं लगा कि फालतू में डाला है, इसको स्किप कर देना चाहिए। सब कुछ एकदम फिट बैठ रहा है, एक सेकंड के लिए भी ट्रेलर नीचे नहीं गिरता है। बेस्ट चीज, फिल्म के अंदर सस्पेंस अभी भी कायम है, कुछ भी एक्स्ट्रा रिवील करने की गलती नहीं की है। जितना चाहिए उतना गर्म कर दिया, लेकिन प्लेट में निकालने नहीं दिया। दूसरा बेस्ट काम जो किया गया है बाकी फिल्मों से अलग, वो ये कि फोकस सिर्फ पुष्पा पे नहीं है, कहानी पे है, बाकी कैरेक्टर्स को भी उतना इम्पोर्टेंस दिया गया है। इस बात के लिए अल्लू अर्जुन है, क्योंकि इस लेवल पे एक्टर्स चाहते हैं कि कैमरा सिर्फ टू मच दाढ़ी वाड़ी का यूज है, उसका मेन हीरो है। लेकिन थोड़ी सी अनपॉपुलर बात बोलूं, ट्रेलर देखकर मुझे लगता है इस फिल्म मुझे ये सीन नहीं अच्छा लगा था, दिस वाज चीप। उनकी हीरोइन रश्मिका मंदाना को होने वाला है, पुष्पा हो या फिर एनिमल, रश्मिका की परफॉर्मेंस बाय गॉड काफी बढ़िया थी, लेकिन टोटल इग्नोर हो गई। बट इस ट्रेलर से लग रहा है मुझे पुष्पा 2 की कहानी में सबसे ज्यादा बातें रश्मिका के बारे में होंगी। वैसे सारे एक्टर्स को देखकर ऐसा लग नहीं रहा कि 3 साल बीत गए, इन सबके साथ कनेक्शन इतना जबरदस्त है ना, इतना पतला है और दिखाते इतना ही। हर कोई जानता है पुष्पा का एक्स फैक्टर उसकी राइटिंग थी, खतरनाक डायलॉग्स जिनकी वजह से इसका प्रमोशन मास, ये भी बड़ा गंदा लग रहा है पूरी मूवी में, जैसे गांव के पूरा लुक करना। लेकिन ट्रेलर में जो थोड़े बहुत डायलॉग सुनने को मिले हैं, मुझे लग रहा है पार्ट 2 पार्ट 1 को पीछे कर देगा। वही लग मुझे, मैंने ये बोला इमोशंस जो ट्रेलर ने बिल्कुल छुपाने की कोशिश नहीं की है। एक मास फिल्म के ट्रेलर में इतना इमोशनल फील मैंने आज तक नहीं किया है ऑनेस्टली। पार्ट 1 में पुष्पा के इमोशंस सीधे थे, सामने वाले को फाड़ना है, बट पार्ट 2 में मामला इंटरनेशनल है और एक्शन के पीछे जबरदस्त इमोशन है। वैसे काफी कम लोग जानते होंगे इस फिल्म का बजट ओरिजिनल वाली का लगभग दुगना है, इसका 200-250, तो इसका 400-450 करोड़ के आसपास बताया गया है, और इसका इम्पैक्ट आप देख सकते हो। आप पुष्पा का हर सीन पिछली फिल्म से बड़ा दिख रहा है, बड़े सेट्स हैं, तगड़े लोकेशंस हैं, लार्जर देन लाइफ प्रेजेंटेशन। मुझे अच्छे से याद है काफी लोगों ने फर्स्ट फिल्म को ट्रोल किया था, क्रिंज बोला था, गवार ऑडियंस को पसंद आने वाली लो लेवल की फिल्म बता रहे थे, और अच्छा लगा ये देखकर पुष्पा के दोस्त थिंग्स वाला लोगों को जवाब देने की। मैं तो देखी नहीं पूरी, पसंद करने वाले लोग मैंने भी एक जो सीन देखे थे, इसीलिए ट्रेलर में नोटिस कर सकते हो आप। अल्लू अब देखूंगी, वो देख के फिर ये देखूंगी हिंदी में आएगी। यस, का स्मार्ट क्लासी सूट बूट वाला हीरो नहीं बनना चाहते। सुकुमार ने और ज्यादा मास सीन्स डाल दिए हैं, टोटल लोकल सिनेमा, ये तो गड़बड़ है पूरा। मिडिल क्लास फिल्म का जो यहां पे नथ लगाते हैं उसको निकाल के
क्रिंज बोलने वाले अंडरग्राउंड हो गए हैं। देखो एक कड़वी बात बोलूं, अभी तक पुष्पा 2 के म्यूजिक से पार्ट 1 जैसी कैची फील नहीं आई है। म्यूजिक कौन सा, म्यूजिक सुना ही नहीं। मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर सकता है। म्यूजिक से याद आया, भाई जो पुष्पा बोल रहा है वो तो खास है ही, लेकिन जो पुष्पा के खिलाफ बोला जा रहा है उसमें भी दम है। हीरो के टक्कर का विलन बनाया है। ट्रेलर में अल्लू अर्जुन के अलावा भी जब कैमरा फहद फासिल पे जाता है तो शिकायत का मौका नहीं मिलता, क्योंकि हर एक सीन में भंवर सिंह आउट ऑफ सिलेबस लग रहे हैं। काफी लोग पार्ट 1 में जब श्रेयस तलपड़े का नाम पढ़े थे हिंदी डबिंग में झटका खा गए थे, क्योंकि एक्टर की जगह किसी वॉइस आर्टिस्ट को लेते तो बेहतर होता। बट फिर से ये रिस्क काम कर गया है, क्योंकि हिंदी ट्रेलर में अल्लू अर्जुन की वॉइस को जरा सा भी मिस नहीं करोगे। नॉर्थ में बहुत श्रेयस की आवाज ही असली पुष्पा बन गई है। लेकिन सबसे डराने वाली चीज पता है क्या, बेचारे अल्लू अर्जुन ने भी सपने में नहीं सोचा होगा कि वो कुछ ऐसा कर देंगे जिसको बाकी लोग बैन करने की दुआ करेंगे। नहीं समझे, पुष्पा 2 एक ऐसी फिल्म बनती जा रही है जिसकी वजह से ऑडियंस भी बदल रही है। पैन इंडिया सिनेमा किसको बोला जाता है धीरे धीरे पब्लिक समझ रही है। सिर्फ हिंदी में किसी फिल्म को डब करके रिलीज करने से पैन इंडिया सिनेमा नहीं बन जाता। इस लेवल के एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। किसी में दम है एक तेलुगु फिल्म का ट्रेलर पटना में जाके लॉन्च करने का इतनी भीड़ के साथ। मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ आपको, ये सिर्फ ट्रेलर है। जब पुष्पा 2 थिएटर्स में आ जाएगी ना, जो बाकी फालतू टाइम पास मूवीज खुद को पैन इंडिया समझने की गलती कर रही हैं, एक फूटी कौड़ी नहीं कमा पाएंगी ये फिल्में, क्योंकि उनका कंपैरिजन पब्लिक अब सीधा पुष्पा के रूल से करेगी और मुझे नहीं लगता कि ऐसा पागलपन दोबारा कोई कर पाएगा। सीधी वार्निंग है भैया, या तो पुष्पा के लेवल को मैच करो या फिर एवरेज मूवीज को बनाना बैन कर दो, क्योंकि सिर्फ इंडिया नहीं पूरी दुनिया के लिए पुष्पा सिनेमा का नया स्टैंडर्ड सेट करेगी। एक और बात, गुस्सा मत होना, बाहुबली के रिकॉर्ड्स खत्म है बहुत सीरियसली। काफी फिल्मों के लिए हम लोगों ने बोला है, लेकिन पुष्पा ये करके दिखाएगा। राजामौली का प्रेजेंटेशन अलग था जिसने प्रभास को स्पेशल बना दिया था, बट पुष्पा में अल्लू अर्जुन खुद से जो कर रहे हैं वो सुकुमार की भी सोच से बाहर है। पानी में बहा देगा। 1,000 करोड़ सिर्फ हिंदी बेल्ट से रख लो और पूरी दुनिया से दूसरा 1,000। पुष्पा फायर नहीं वाइल्ड फायर। तो ये नहीं है उस मूवी में जो अभी दिखाई थी। बिफोर पुष्पा ने इंसाफ किया या फिर आपकी उम्मीद को खाली छोड़ दिया? फर्स्ट डे फर्स्ट शो या फिर वो क्या बोलते हैं, क्रिंज, झुकेगा नहीं साला। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या तो कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। भैया हाइप तो बहुत है पुष्पा 2 की, और हमने इसका ट्रेलर भी देखा है और इसका इवेंट लॉन्च का भी देखा है। और अभी दूसरा जो इवेंट लॉन्च का जो अब आएगा इंडियन अमेरिकन व्लॉगर चैनल में आएगा, उसको आप देखना। उसमें उन्होंने शुरू में पूरा वो एक सीन जो दिखाया है जिसमें वो बैकग्राउंड में बता रहे हैं कि भैया क्या हुआ, पुष्पा को गोली लग गई, पुष्पा कहाँ है, पुष्पा मर गया। मुझे वो ज्यादा अच्छा लग रहा था ट्रेलर से, पता नहीं क्यों। आई वॉज रियली इन टू, जब मैं वो देख रही थी ना, देखना उसको, इंडियन अमेरिकन ब्लॉगर में आएगा, अगर अभी तक नहीं आया तो कुछ देर के अंदर आ जाएगा। तो वो जो था ना, वो मुझे ट्रेलर से ज्यादा अच्छा लगा। ट्रेलर में एक जगह पे मुझे थोड़ा वो लगा था जो इन्होंने सीन दिया था, मैंने कहा था ये थोड़ा चीप सा था, तो उस टाइप से। और कई कमेंट्स में भी मैं पढ़ रही थी कि अगर तो चीपनेस हुई मूवी में तो आई प्रॉब्ली माइट नॉट लाइक इट, पर अगर प्रॉपर मतलब स्टोरी पे फोकस करके नीट एंड क्लीन हो तो फिर मुझे जो मैंने ट्रेलर से ज्यादा जो वो सीन देखा जो मैं बता रही हूँ, मुझे उसमें दोबारा बताया कि अल्लू अर्जुन ने खुद डबिंग नहीं की है। हाँ, वो इंडिया का वो दूसरा जो है उसने की थी, उसने फर्स्ट पार्ट में भी की थी। और वो जो और गाने मैंने अभी सुने नहीं है इसके, तो अभी इनके हिसाब से तो ये है कि इसके इस पार्ट 2 के गाने शायद उतने अच्छे नहीं है, उतने नहीं है जितने फर्स्ट पार्ट के। उन्होंने जो है वो तेलुगु के हिसाब से बनाए हैं, जो पता नहीं देखते हैं हिंदी में करते हैं नहीं, पर उसमें जो फर्स्ट पार्ट के थे उसके तो बड़े हिट हुए थे गाने, पर अब इसके देखते हैं, क्योंकि गानों से भी बहुत मतलब फर्क पड़ता है। पर अब वैसे ही इतनी हाइप हुई हुई है इस मूवी की कि इसका हिट जाना, अब जैसे पटना में हुआ, हम ही इतने देख के शॉक हो गए थे कि इतनी भीड़, वो भी पटना में, वो देख के तो हम भी हैरान थे। तो ये मूवी का हिट होना तो पक्का है। और ये जैसे बता रहे थे 400 करोड़ की है, उसमें से 50% से ज्यादा तो उसने ले लिया है, अल्लू अर्जुन ने ही उसका किया हुआ है। तो मेरे ख्याल से कोई अगर 400 है तो मेरे ख्याल से 300 या 200 तक तो उसने ही, उस 200 करोड़ तो उसी ने ले लिया। तो सोचो, ओ माय गॉड। तो एनीवे मैं तो हम देखने जाएंगे और उसके बाद बताएंगे कि कैसी लगी है। और अगर आप पहले चले गए तो आप बता देना, और खुश, अच्छी बात यह है कि दिसंबर में यार ज्यादा वेट करने की जरूरत ही नहीं है, अभी आने वाली है। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को
हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।